तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में यार बातचीत करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रो ड्रैगन डेक के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेक मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ। सो, डेक में बेसिकली है माइनर, पॉइजन, जाइंट, प्रिंस और साथ में रॉयल गोस्ट, इलेक्ट्रो ड्रैगन और मेगा मिनियन और जैप स्पेल। सो बेसिकली ये डेक है नॉर्मल जाइंट प्रिंस की तरह डेक है। आपको पुशेस बनाने होते हैं एंड देन समटाइम्स आप काउंटर पुश भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अपोनेंट डेक की अपोनेंट के डेक में क्या है, तो उसी के हिसाब से आपको अपने काउंटर पुशेस या पुश बनाने होते हैं। सो, अगर आप सभी लोगों के पास इलेक्ट्रो ड्रैगन अनलॉक्ड नहीं हो रखा, क्योंकि मेरा भी नहीं हो रखा है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इलेक्ट्रो विजर्ड। ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क करती है एज अ सब्स्टिट्यूट। और चलिए गाइस थोड़े से रिप्लेस में हॉप इन करते हैं और उसके साथ के साथ मैं आपको गाइडेंस देता रहूँगा। सो, ये मैचअप भी अगेंस्ट एन इलेक्ट्रो ड्रैगन डेक है, इलेक्ट्रो ड्रैगन माइनर डेक है ये भी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ इसके इजी मैचअप्स कौन से होते हैं। सो, इस डेक के इजी मैचअप्स आप ले सकते हो थ्री मस्किटियर। इस डेक का बहुत ही ज़्यादा इजी मैचअप है बिकॉज आपके पास होता है पॉइजन स्पेल, आपके पास होता है माइनर उसके पंप को डील करने के लिए, पॉइजन होता है आप थ्री मस्किटियर्स को पॉइजन कर सकते हैं, आप मिनियन हॉर्ड को पॉइजन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप रॉयल गोस्ट डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे दो मस्किटियर आ रही हो। साथ के साथ आपके पास इलेक्ट्रो ड्रैगन होता है जो बैटल रैम को जैप कर देता है। सो, बहुत ही ज़्यादा इजी मैचअप रहता है थ्री मस्किटियर का। और इसी के साथ हम बातचीत कर लेते हैं थोड़े बहुत इसके टफ मैचअप्स के बारे में। सो, टफ मैचअप बेसिकली इसका मेरे को जो लगता है वो अगेंस्ट पेका के अगेंस्ट थोड़ा सा ये डेक कभी कभार स्ट्रगल कर सकता है। और अगर पेका के अगेंस्ट मैचअप है तो कोशिश करें जाइंट सिर्फ काउंटर पुश में यूज़ करें अगर आप सॉलिड काउंटर पुश बना पा रहे हैं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या है कि माइनर पॉइजन करना है अपोनेंट का टावर एंड माइनर पॉइजन कर करके आपको टावर डाउन करना है। सो बेसिकली ये रहता है अगर अपोनेंट के पास पेका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। अपोनेंट के पास भी प्रिंस है और इलेक्ट्रो ड्रैगन है साथ में और बारबेरियन बैरल भी है जो अभी बहुत ही ज़्यादा मेटा सूटेड कार्ड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जाइंट साइकिल किया है फ्रॉम द बैक साइड और यहाँ पे अपोनेंट थोड़ा सा एग्रेसिव किया है साथ में माइनर और बैट्स के साथ। सो ये डेक को आपको साइकिलिंग थोड़ी बहुत लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज इस डेक थोड़ा सा हैवी है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा किस समय पे कौन सा कार्ड साइकिल करे तो बेस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट पुश पे माइनर को डिफेंड किया रॉयल को से एंड बैट्स को हमने जैप कर दिया था, तो साइकिल का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जाइंट को तीन चार हिट्स मिल गए टावर पे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। सो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया डिफेंस होगा, प्रिंस आ रहा है साथ में मेगा मिनियन डिप्लॉय किया माइनर के साथ और जैप के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से डील किया इतना बढ़िया पुश। और लेफ्ट साइड में हमारे प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिल गया और इसकी वजह से ये मैच अब हमारे हाथ में आ चुका है। सो यहाँ पे मैं आपको 2x करके दिखा देता हूँ। बहुत ही ईजी मैचअप था ये और बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला गया एंड थैंक्स फॉर मॉक्सार्थ फॉर प्रोवाइडिंग दीज रिप्लेस। उसी ने रिप्लेस प्रोवाइड कराए हैं और बहुत ही बढ़िया माइनर पॉइजन फ्रॉम द अपोनेंट एज वेल, माइनर को पीछे डाला ताकि जो हमारा डिफेंसिव माइनर है वो पीछे की तरफ जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड उसके रॉयल होस्ट को हिट मिल गए। सो दैट वॉज अ रियली गुड मैचअप एंड चलिए गाइस नेक्स्ट मैचअप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट रीप्ले अगेंस्ट लावालून है जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे और लावालून बहुत ही ज़्यादा कॉमन मैचअप है जो आप फेस करेंगे अगर आप क्लासिक चैलेंज या फिर ग्रैंड चैलेंज खेलेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपको विन करना आना चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप लावालून के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो इस डेक से कैसे हैंडल करना है, बाकी आप गेम प्ले में भी देख के समझ जाएंगे। सो एक बेसिक चीज़ जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि आपको सेम लेन जाइंट जाना है जिस लेन अपोनेंट लावा हाउंड डालेगा, मतलब आपको सेम लेन जाइंट पुश करना पड़ेगा जिस लेन में अपोनेंट का लावा आपके टावर की तरफ आ रहा होगा, मतलब सेम लेन पुश करना पड़ेगा आपको अगर आपको मैच जीतना है। एंड ओवर कमिट बिल्कुल भी ना करें, अगर आपने ओवर कमिट कर दिया तो आप बेसिकली वैसे ही लूज कर जाएंगे मैचअप। सो ओवर कमिट नहीं करना, सेम लेन जाना है। और अगर आपको लगे कि टावर एक्सचेंज हो रहे हैं सो टावर एक्सचेंज भी कर लेने हैं बिकॉज इन द एंड या तो मैचअप ड्रॉ होगा या फिर थ्री क्राउन
आपको जाना पड़ेगा। सो टावर एक्सचेंज भी कर सकते हैं आप इस डेक के साथ, एंड इन द एंड बहुत ही सॉलिड पुश बना के आप जीत सकते हैं। सो एक और चीज़ जो यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं कि ये डेक वायबल किस किस सेंस में है। सो आप इसे ट्रॉफी पुशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसे GC में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे क्लासिक चैलेंज में यूज़ कर सकते हैं। ये डेक हर जगह वर्किंग रहेगा। एंड जो बात है इलेक्ट्रो ड्रैगन की, बहुत ही ज़्यादा सही कार्ड है मेरे हिसाब से। ना ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है, ना ही ये बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ही बढ़िया लेवल कार्ड है ये। तो अगर आपके पास अनलॉक होस रखा है तो ये डेक ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइंट और प्रिंस से बहुत ही तगड़ा पुश बना रखा है, और 3 क्राउन पे आप देख सकते हैं कितनी डैमेज हमने ले ली है। 1200 बचा है उसके किंग टावर पे, और यहाँ पे हमारा टावर पे 992 हेल्थ बची हुई है। सो नेक्स्ट पुश में आई थिंक सो हम विन कर जाते हैं या फिर टावर एक्सचेंज होता है। सो देख सकते हैं हमने सेम लेन पुश जाके अपोनेंट को इतना डैमेज दे दिया और अपोनेंट हमें ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो ड्रैगन। इलेक्ट्रो ड्रैगन जैसे मैंने बताया बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा अपोनेंट के टावर और अपोनेंट के जो लेन पुशेज हैं, जो बलून और लावा का पुश है, उसे डील करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा आपकी इलेक्ट्रो ड्रैगन। सो सेम साइड पुश करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइंट शायद कनेक्ट हो जाएगा टावर से, और यहाँ पे अपोनेंट ने थोड़ा सा ओवर कमिट कर दिया है, और यहाँ पे सिर्फ हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन डाला है और जाइंट फिर भी टावर पे पहुँच जाएगा। एंड आई थिंक सो रॉयल गोस्ट 3 क्राउन कर देगा, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे लावा लून मैचअप को बीट कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। डेक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार यार कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसी लगी और डेक कैसा लगा, एंड लाइक कर देना यार वीडियो, बिकॉज मैं देखता हूँ यार आजकल लाइक नहीं करते तुम लोग। सो लाइक कर देना वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।